चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज में खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कुशीनगर में बुद्ध के महापरिनिर्वाण मंदिर में पूजा अर्चना की। करीब 10 मिनट मंदिर परिसर में रहने के बाद बाहर निकले और सड़क मार्ग से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान कर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर मंत्रिमंडल को संबोधित कर डिनर किया। पीएम मोदी ने इस दौरान योगी मंत्रिमंडल को सुशासन का पाठ पढ़ाया, साथ ही सभी मंत्रियों को जनता के कामों पर खास ध्यान देने को कहा। बैठक में पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से परिचय प्राप्त किया और उनके विभाग की जानकारी ली, साथ ही 100 दिन के एजेंडे में पूरे किए कामों के बारे में बातचीत की। पीएम मोदी ने उनसे जिलों की रिपोर्ट के बारे में पूछा, साथ ही कहा कि अफसर और अधिकारी काम करें और अगर किस तरह का काम वो कर रहे हैं इस पर रिपोर्ट भी दें। मथुरा की गोवर्धन स्थित गिरिराज पर्वत की शिलाओं को ऑनलाइन बेचे जाने का मामला गर्मा गया है। गिरिराज शिला बेचने के विज्ञापन के मामले में भाजयुमो के जिला मंत्री ने ई कॉमर्स कंपनी और फर्म संचालक के खिलाफ थाना गोवर्धन में तहरीर देकर कठोर कार्रवाई की मांग की है। तहरीर में कंपनी और फर्म संचालक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है, इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अलीगढ़ के विजयगढ़ थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता युवक का शव कुएं में पड़ा हुआ मिला। वहीं राहगीरों की सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और 2 घंटे रेस्क्यू के बाद मृतक शव को कुएं से बाहर निकाला गया। बाराबंकी में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और महामंत्री के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में तब्दील हो गई। ललितपुर में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ आबकारी और पुलिस ने छापेमारी की है। टीम ने मौके से 4000 किलो लहन को नष्ट किया है। 450 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। फरुखाबाद के कायमगंज कुतवारी क्षेत्र में जमीन के बंटवारे के विवाद में पिता ने बेटे पर गोली मारने का आरोप लगाया है। घायल का सीएससी कायमगंज में उपचार और मेडिकल परीक्षण किया गया। गोंडा में चोरी की योजना बनाते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही उनके कब्जे से चोरी के उपकरण, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। चोरों के खिलाफ पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। मिर्जापुर में पानी के अभाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। टैंकर से पानी आपूर्ति नहीं करवाए जाने पर ग्रामीणों में गुस्सा है। भीषण गर्मी और तेज धूप के चलते पहाड़ी पर रहने वाले ग्रामीण गर्मी में पानी से प्यास भी नहीं बुझा पा रहे। कासगंज में गंगा स्नान को आए 3 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। मौके पर मौजूद स्थानीय गोताखोरों ने एक को सकुशल बचा लिया, वहीं एक की मौत हो गई। तीसरे युवक की तलाश जारी है। ललितपुर के नाराहट क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हो गई, वहीं मौत का कारण फांसी लगाकर आत्महत्या करना बताया जा रहा है। लखनऊ के बरगदी ग्राम तालाब से सांप निकलकर लोगों के घरों को अंदर अपना डेरा बना रहे हैं। तालाब में सांप निकलने के साथ गंदगी और बदबू से भी लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मुरादाबाद जनपद में लखनऊ नेशनल हाईवे 24 पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक गौ तस्कर के पैर में गोली लग गई, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज में शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो रामबाग इलाके का बताया जा रहा है। वहीं कीटगंज थाने की पुलिस इस वीडियो से अनजान है और जानकारी ना होने की बात कर रही है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यात्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में उनके लिए दवाओं की व्यवस्था की जा रही है। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त फार्मासिस्ट तैनात किए जाएंगे। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के तमाम मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, लेकिन सोमवार शाम लगभग 5 बजे के बाद बादल बरसने के बाद लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। उधम सिंह नगर के शांतिपुरी में बीजेपी नेता संदीप कार्की की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुख्य अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल कारतूस के साथ ही कार भी बरामद की गई। हल्द्वानी में देर रात आए तूफान और बारिश के चलते कार पर पेड़ गिरने से कार चालक की मौत हो गई, साथ ही कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने पेड़ काटकर शव को कार से बाहर निकाला। चारधाम यात्रा में पंजीकरण करवाने के नियम से यात्री और होटल मालिकों को दिक्कत है। होटल एसोसिएशन के लोगों ने मणिकर्णिका घाट पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, प्रदर्शन करने का आह्वान किया। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सीएमओ ने अवैध वसूली में लिप्त 2 स्टाफ नर्स को निलंबित किया है। प्रसव के दौरान मासूम की मौत के मामले में परिजनों ने दोनों नर्स पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप लगाए थे।
सहारनपुर के रेडी गांव के नहर में नहाने आए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों शव बरामद कर लिए हैं। आगरा में छात्रों से भरी स्कूल बस अनियंत्रित होकर पलट गई। खेत में काम कर रहे ग्रामीणों ने बच्चों को बस से बाहर निकाला। बस में सवार सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। देवरिया में तेज रफ्तार पिकअप ने ऑटो और साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में साइकिल सवार और ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गए। फरुखाबाद में पुरानी रंजिश को लेकर दबंग बदमाश ने पीड़ित के घर के सामने जमकर फायरिंग की। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से खोखा कारतूस बरामद किया गया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई। ललितपुर में जमीनी विवाद को लेकर भाई ने भाई को लाठियों से जमकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ने कोतवाली पुलिस से भाई और उसके बेटों पर कार्रवाई की मांग की है। इटावा के मसावली गांव में एक किसान की झोपड़ी में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में झोपड़ी में बंधे मवेशी और बकरियां समेत दो लोग झुलस गए और एक बकरी की जलकर मौत हो गई। लेखपाल ने मुआवजा देने की बात कही है। फरुखाबाद के इटावा बरेली हाईवे पर अज्ञात महिला का शव मिला। राहगीरों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली से कन्नौज आ रही बस में महिला ने चालक पर उससे छेड़खानी करने के आरोप लगाते हुए बस चालक की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर देहात में एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन दस्तक अपराधियों के लिए काल बन गया है। इस ऑपरेशन के तहत कानपुर देहात पुलिस ने 95 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अलीगढ़ में दिव्यांग दलित युवक की मौत के मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना ही मृतक युवक का अंतिम संस्कार करा दिया गया। पूरे घटनाक्रम में पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। चलिए इसी बीच बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। शाही ईदगाह को सील करने की मांग की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जन्मभूमि के अवशेष से छेड़छाड़ की आशंका है। तो ये सीनियर डिविजन कोर्ट में आज सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। मथुरा से बड़ी खबर, शाही ईदगाह को लेकर याचिका है और इसे सील करने की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मथुरा का मामला भी चल रहा है, तो शाही ईदगाह को सील करने की मांग उठ रही है। एक तरफ ज्ञानवापी मामला है, दूसरी तरफ आगरा का मामला है, लेकिन अब ये मथुरा का जो मामला चल रहा है उस पर सीनियर डिविजन कोर्ट में आज सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की मस्जिद को सील करने की मांग उठ रही है, याचिका दायर हुई है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के बाद अब ये मथुरा का विवाद सामने आ गया है। तो ईदगाह मस्जिद परिसर को सील करने की मांग की जा रही है और मथुरा अदालत में याचिका दायर कर ली गई है। हिंदू याचिकाकर्ताओं का मत है कि अगर परिसर को सील नहीं किया गया तो गर्भगृह और अन्य पुरातात्विक मंदिर के अवशेष क्षतिग्रस्त किए जा सकते हैं या हटाए जा सकते हैं। अब कोर्ट तय करेगा कि इस याचिका पर सुनवाई होनी है या फिर नहीं, तो आज इस पर सुनवाई होनी है। सुरेश सैनी संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अब ज्ञानवापी मामला का मामला तो चल ही रहा है, वहीं दूसरी तरफ मथुरा से अहम खबर है, शाही ईदगाह को अब सील करने की मांग की जा रही है, इस पर याचिका भी दायर कर ली गई है, आगे अब क्या कुछ इस पर? जी बिल्कुल, मथुरा के जिला जज के यहाँ एक याचिका आज फिर दोबारा से दी गई है, जिसमें श्री केशवदेव प्राचीन जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का जन्मभूमि का, उनके जो वकील है महंत प्रसाद, उनके द्वारा ये याचिका दायर की गई है। और उसमें उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि जिस तरह से ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद में जो सर्वे हुआ है उसमें जो भगवान के शिवलिंग मिलने की जो सूचना है, उसी तरह से यहाँ पे जो शाही ईदगाह मस्जिद है भगवान श्री कृष्ण के बराबर, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अवशेष होंगे और है, और उनको कहीं नष्ट ना कर दें, इसलिए यहाँ पे जो मस्जिद का जो गर्भ है उसको सील कर दिया जाए और यहाँ पर एक पर्टिकुलर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, जो सुरक्षा के इंतजाम किया जाए, ताकि जो अब अगले एक महीने तक कोर्ट की छुट्टी होने वाली है, तो उस दौरान जो द्विपक्ष है, जो मुस्लिम पक्ष है, कहीं वो जो चिन्ह है भगवान श्री कृष्ण के जो निशान है या उनकी जो मंदिर होने के कोई सबूत है, उनको नष्ट ना कर दे। तो उन्होंने एक कोर्ट में याचिका की और कोर्ट ने इसको सुनवाई के लिए अब 1 जुलाई की तारीख सुनिश्चित की और 1 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद ये तय हुआ कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। क्या अगर कोर्ट ज्ञानवापी मंदिर की तरह यहाँ भी कोर्ट मस्जिद को जो सील करने का निर्णय देता है या फिर उसको सर्वे का निर्णय देता है, यह भी आगे जाके 1 जुलाई को ही पता चलेगा जब कोर्ट का निर्णय इस पे आने वाला है। जी,
सुरेश, एक तरह से देखा जाए तो ज्ञान वापी का मामला भी चल रहा है, आगरा का मामला भी चल रहा है, ऐसे में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ये विवाद है, अब याचिका लगाई गई है, तो अगर हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्थाओं की, ताकि शहर में जो शांति की स्थिति है वो बनी रहे, उसे लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? जी, जिस तरह से ज्ञान वापी मंदिर के साथ साथ ये जो ताजमहल का मामला है उसके साथ ये जन्मभूमि का मामला, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का कई बार पहले भी कई वर्षों से मामला जो है उठता रहा है, और इसको लेकर के समय समय पर कई बार जो सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा और कड़ी की जाती है, और उसी को लेकर के यहाँ के जो अधिकारी हैं वो पहले से मुस्तैद रहते हैं, प्रशासनिक अधिकारी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, क्योंकि पहले से ही ईदगाह पर जो है काफी कड़ी सुरक्षा है, वहाँ पे BSF और PAC हमेशा तैनात रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी अब जिस तरह से ये जो कोर्ट में मामला चल रहा है, कहीं कोई हल्लाने की या जिस तरह से माहौल खराब होने की कोई स्थिति ना हो, तो इसको लेकर के प्रशासन पूरी तरह से सख्त है, और प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए कि कहीं भी किसी तरह से सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसीलिए जो शाही ईदगाह मस्जिद है वहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, वहाँ किसी आम आदमी को जाने की इजाजत नहीं है, सिर्फ वहाँ पे कुछ परिवार जो रहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत के लिए सुरेश, नजर बनाए रखेगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत 23 मई से होने जा रही है। इस बार विधानसभा की कार्यवाही पूरी तरह से डिजिटल एडवांस मोड में होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल इंडिया के तहत विधानसभा की कार्यवाही को भी पेपरलेस करने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में BJP की दूसरी बार सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र 23 मई से आहूत हो रहा है, लेकिन इस बार सत्र कुछ अलग होगा। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट सत्र नए कलेवर में नजर आने वाला है। इस बार बजट सत्र के दौरान विधानसभा की कार्यवाही डिजिटली एडवांस मोड में नजर आएगी। वो टेक्निकल बदलाव जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में ई विधान के तहत की जा रही है वो इस तरह है। विधान भवन में सभी विधायकों की सीट निर्धारित होगी। इन सीटों के साथ टेबल पर टैबलेट भी मौजूद होगा। निर्धारित सीट से ही विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। कार्यवाही के दौरान टैबलेट से देखकर ही सदस्यों को सवाल करने होंगे। कार्यवाही से जुड़े जरूरी दिशा निर्देश सदस्य टैबलेट से ही देख पाएंगे। विपक्षी पार्टियों के विधायक निर्धारित सीट से सवाल कर सकेंगे। वहीं मंत्रियों को भी निर्धारित सीट से ही सवालों का जवाब देना होगा। सभी विधायकों के टैबलेट उनके फिंगरप्रिंट या पासवर्ड से ही ओपन होंगे। विधायकों को सॉफ्ट कॉपी के अलावा निर्देशों की हार्ड कॉपी भी दी जाएगी। विधानसभा भवन में कंट्रोल रूम भी होगा और देश की सभी विधानसभाएं पोर्टल पर जुड़ेंगी। सदन की कार्यवाही लाइव तौर पर फेसबुक और यूट्यूब पर भी मिल जाएगी। इसके साथ ही विधानसभा के विधान मंडप में 379 सीटें थी, जिसे बढ़ाकर अब 416 कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में जहां कैबिनेट की बैठक को पेपरलेस करने का कदम सबसे पहले उठाया, वहीं पेपरलेस बजट पेश करने वाला भी उत्तर प्रदेश पहला ही राज्य था। इसके लिए योगी सरकार ने विधायकों को निर्देश भी दिए थे, साथ ही टैबलेट पर काम करने की ट्रेनिंग विधायकों को पहले ही दी गई थी। विधायकों को सिखाने के लिए बकायदा टैबलेट भी मुहैया कराए गए थे। अहम बात यह भी कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना खुद भी इस टेक्निकल बदलाव से रूबरू हैं और टैबलेट की मदद से विधानसभा में कार्यवाही को लेकर अभ्यस्त भी हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जब 23 मई से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी, तब इस दौरान ये टेक्निकल बदलाव विधानसभा की कार्यवाही को कितना आसान बनाएगा। जनता TV के लिए सौरभ तिवारी की रिपोर्ट। तो एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा की कार्यवाही होनी है और इसे लेकर पहले ही तैयारियां कर ली गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं पहले ही कर ली गई है, पेपरलेस बनाने की पूरी कोशिश होगी, और यही कारण है कि डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व खनन से मिलता है, लेकिन कुमाऊं मंडल की नदियों से खनन कारोबार पर अब संकट है। ऐसे में अब प्रदेश सरकार और वन विभाग की निगाह केंद्र सरकार के ऊपर टिकी है। देखिए रिपोर्ट। कुमाऊं मंडल की नदियों से खनन कारोबार पर अब संकट मंडराने लगा है।
ऐसे में अब प्रदेश सरकार और वन विभाग की निगाह केंद्र सरकार पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार अगर अनुमति देती है तो अगले सत्र में नदियों से खनन हो पाएगा, नहीं तो अगले साल खनन कार्य पर संकट खड़ा हो सकता है। अब तक कुमाऊं मंडल की गौला और शारदा नदी में खनन हो रहा था, जिसकी अवधि फरवरी 2023 में समाप्त हो रही है, लेकिन अब अगर केंद्र सरकार अनुमति देती है तभी खनन हो पाएगा। अगले साल खनन कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो, इसको लेकर विभागीय अधिकारियों ने अभी से कार्रवाई शुरू कर दी है। वन विकास के आरएम ने बताया कि कुमाऊं मंडल में गौला और शारदा नदी से होने वाले खनन की केंद्र सरकार से मिलने वाली अवधि फरवरी 2023 में समाप्त हो जाएगी। केंद्र सरकार ने 10 सालों के लिए खनन आवंटित किया था, वहीं अब फिर से इन नदियों से खनन का काम सुचारू रूप से करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति जरूरी है। गौला, नंदौर और शारदा, तो गौला और शारदा का जो है समयावधि फरवरी 2023 में पूर्ण होने वाला है, जिसके लिए हम भारत सरकार में जो है आवेदन कर चुके हैं और हमारा जो है आगे की एफसी के लिए प्रस्ताव ऑलरेडी भारत सरकार में पहुंच चुका है और उसमें कार्रवाई काफी तेजी से जो है गतिमान है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या अब केंद्र सरकार समय रहते अगले साल खनन सत्र बंद होने से पहले खनन को सुचारू रूप से करने की अनुमति देती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। चलिए इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।